हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था सफल लोगों की एक आदत के बारे में, जो थी कि उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे थॉमस एडिसन हज़ार बार फेल होने के बाद भी लगे रहे और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सफल लोगों की दूसरी महत्वपूर्ण आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में उन्हें हेल्प करती है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक आश्रम के बाहर एक बाबा रोज उपदेश दिया करते थे। लोग उन्हें सुनने आते, उनसे परामर्श लेने आते। तो एक बार बाबा क्रोध पर अपना उपदेश दे रहे थे और वो कह रहे थे कि कैसे क्रोध हमारे लिए नुकसानदेह होता है और कैसे हम अपने क्रोध को विजित कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो उसी वक्त आश्रम में सुनने आए वाले लोगों में से, यानी ऑडियंस में से एक बंदा उठा और वो बाबा से झगड़ पड़ा कि वो सही नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बाबा बिल्कुल शांत बैठे रहे। वो फिर से अपनी बात कहना उन्होंने चालू रखा और वो भक्त बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर से वो भक्त उठा और फिर से बाबा से झगड़ा करने लगा कि वो फिर से गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ये वो। बार बार ऐसा होते होते अंततः उस भक्त से रहा नहीं गया। भक्त क्या कहेंगे, बेचारा परेशान आत्मा। वो वहाँ से उठा और उसने बाबा के मुंह पर थूक दिया और वहाँ से वो चला गया। आपको क्या लगता है बाबा का रिएक्शन क्या रहा होगा? बाबा अब भी शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक पहले पोछी, उपदेश देना जारी रखा और लोगों को भी शांत किया कि जाने दीजिए, वो नादान है। लोग क्रोधित हो चुके थे कि बाबा की इंसल्ट उसने कर दी। फिर उपदेश खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। रात होते होते उस व्यक्ति को अपने आप में गलानी महसूस होने लगी कि यार, बाबा जो कह रहे थे वो उनकी अपनी राय थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता। और लोग भी तो वहाँ सुन रहे थे, कई लोग डिसएग्री कर रहे थे, लेकिन सबने तो ऐसा नहीं किया। उसको बहुत बुरा लगा कि उसने एक बाबा के मुंह पे अपनी थूक फेंक दी थी। उसने तय किया कि अगली सुबह वह जाएगा और बाबा से माफ़ी मांगेगा और उनसे कहेगा कि आगे से वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। जैसा उसने तय किया, सुबह होते ही वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब तक वह आश्रम पहुंचा, तब तक बाबा कहीं और के लिए निकल चुके थे। सन्यासी वैरागी व्यक्ति कहाँ एक जगह ठहरते हैं। पर वह ढूंढता फिरता, उनको दौड़ता हुआ ढूंढता फिरता वो उस बाबा के पास पहुंचा। बाबा दिखते ही वह उनके पैरों में जाकर के गिर गया और उनसे ज़ोर ज़ोर से रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, बार बार वो कहता। बाबा ने उसका चेहरा नहीं देखा। बाबा ने उनसे पूछा, कौन हो भाई तुम, अब बेटा माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उसने अपना चेहरा दिखाया और बाबा से कहा कि बाबा, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके चेहरे पे थूक दिया था। बाबा ने उसी शांत भाव से उसे उत्तर दिया, कोई बात नहीं बेटा, वो कल की बात थी, मैं वो कब का भुला चुका हूँ और मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे काम हैं। बताओ, मैं अगर वही याद करके रखे रहूँगा तो फिर मैं अपने लाइफ के अदर आस्पेक्ट को कैसे फोकस करूँगा, अपनी प्रोग्रेस पे मैं कैसे ध्यान दूंगा। मुझे भगवान के मार्ग पर चलना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो मैं इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता रहूँगा तो फिर मैं वो अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करूँगा। दोस्तों, उस व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और बाबा ने प्लस उससे ऐसा कहा कि बेटा, मुझे तुम्हें कोई सज़ा नहीं देनी है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है, अब आगे से लाइफ में ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे तुम्हें बाद में गलानी महसूस हो। उसने बाबा से प्रॉमिस किया कि बाबा, आज के बाद मैं अपने क्रोध पे भी नियंत्रण करूंगा और अपने बाकी आदतों पर भी ध्यान दूंगा, अब प्लस अपनी ज़िंदगी पे भी फोकस करूंगा मैं, ताकि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूं। दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी सीख देखने में जाती है कि कैसे सफल लोग हमेशा अपने आप पर फोकस्ड रहते हैं, उनका सारा ध्यान खुद पर रहता है। वो बाहर की दुनिया के साथ तो रहते हैं लेकिन उनकी बातों का असर उन पर नहीं होता। वो मस्त अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, अपने लक्ष्यों पर फोकस्ड रहते हैं। कई बार उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है लेकिन वो फिर भी लगे रहते हैं। इतिहास गवाह है, जिसने भी खुद पर ध्यान दिया है उस पर बाद में दुनिया ने ध्यान दिया है। आज वो हमेशा दुनिया पर ध्यान देता है भाई, वो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। कहने का यही तात्पर्य है कि हमेशा अपने प्रोग्रेस, अपने कमियों पर ध्यान देते हुए उसकी इम्प्रूवमेंट हमें फोकस करना चाहिए। धीरे 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 ऐसा होगा
कि सबका ध्यान आपकी ओर आना शुरू होगा। आई होप दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।